इकदाम, बिजली की कीमतों में इजाफा वापस ले लिया गया। वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी है। हुकूमती फैसले के तहत जुलाई से सितंबर के लिए महाना 200 यूनिट तक वाले बिजली सार्फीन को रिलीफ दिया जाएगा। वफाकी हुकूमत टैरिफ पर रिलीफ देने के लिए तकरीबन 50 अरब रुपए सब्सिडी देगी। महाना 50 यूनिट तक लाइफ लाइन सार्फीन के लिए फी यूनिट टैरिफ 3.95 रुपए, जबकि 51 से 100 यूनिट तक के सार्फीन के लिए टैरिफ 7.74 रुपए बरकरार रहेगा। बात करते हैं, जहीर अली ने हमें ज्वाइन किया है। जी जहीर अली, बताइए। देखें, पहले वफाकी काबीना की जानिब से सर्कुलेशन समरी के जरिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3.95 रुपए से लेके 7.12 रुपए फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए बाकायदा तौर पर नेपरा में पिटिशन दायर की गई कि इसको नोटिफाई किया जाए। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस लिया गया और उसके बाद इस फैसले को रिवाइज़ किया गया और जो लाइफ लाइन सार्फीन है, जो 1 यूनिट से 50 यूनिट तक उनका टैरिफ बरकरार रहेगा, जबकि जो 51 से 100 यूनिट तक है उनका टैरिफ भी बरकरार रखने का फैसला किया गया। और उससे ऊपर जो 101 से 200 यूनिट तक के लिए, उनके लिए चूँकि वफाकी हुकूमत पहले से ही 444 रुपये की सब्सिडी का अनाउंस कर चुकी है, तो इसके लिए ये फैसला किया गया है कि सितंबर तक की जो सार्फीन है उनके लिए 50 अरब रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और जो पीक सीज़न है जिसमें बिल ज़्यादा आते हैं, बुनियादी टैरिफ बढ़ता है और AC पंखे भी चलते हैं, जिसकी वजह से जो एफोर्डेबिलिटी है उसका इशू बनता है, तो उसको वापस लिया जाएगा। इससे पहले अगर बात की जाए तो ये जो कम से कम बुनियादी टैरिफ था उसको 23.59 रुपए जो है उसमें कम से कम टैरिफ को घरेलू सार्फीन के लिए वफाकी काबीना की जानिब से करने की मंजूरी दी गई थी, जबकि इसके अलावा जो 200 यूनिट तक थे उनके लिए 7.12 रुपए इजाफा करके 23.30 रुपए किया गया था। इसी तरह जो आखिरी टैरिफ था, 700 यूनिट से ज़्यादा वाले सार्फीन थे, घरेलू सार्फीन, उनके लिए जो टैरिफ स्लैब आखिरी थी वो 48.84 रुपए कर दी गई थी, यानी कि उसमें भी 7.12 रुपए इजाफा था। तो अब ये प्राइम मिनिस्टर की जानिब से रिवाइज जो नोटिस लिया गया, उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फीन हैं उन पर बोझ कम डाला जाए और सर्कुलेशन समरी के जरिए इसकी मंजूरी दी गई है। बाकायदा तौर पर नेपरा को भिजवाया जाएगा जिसके बाद नोटिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहीर, तफसीली तौर पर आपने आगाह किया।